Hey guys, कैसे हो? सभी लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आई नो कि मोस्ट वेटेड वीडियो है मेरे चैनल में, एंड आज की वीडियो में एवरी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करूंगा कि हम इस साल के ओलंपिक में कितनी मेडल जीत सकते हैं, क्या क्या है ओलंपिक के, एक समरी हम बताएंगे आज की वीडियो में। 2024 की पेरिस ओलंपिक ना 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। माइंड इट कि 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, एंड ज़्यादा दिन तो बचा हुआ नहीं है। एंड इसमें टोटल 32 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, टोटल 339 इवेंट्स होंगे। एंड आप आई गेस करोगे कितनी ज़्यादा इवेंट्स है। एंड इसके साथ साथ हम अगर बात करें इंडिया की, बिकॉज मोस्ट सेंट्रिक है हमारे देश ही, इंडिया देखो टोटल 16 स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ साथ 113 अभी एथलीट्स है जो क्वालिफाई किया है, जो वेरियस जो इवेंट्स है इवेंट्स में हमें रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। हम एक एक स्पोर्ट्स का एनालाइज करते हैं, कितने मेडल जीत सकते हैं हम बताते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि हम कौन कौन इवेंट्स में ना मतलब अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कौन कौन इवेंट्स में हमारा ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड साथ साथ मेडल टेली भी हम देखेंगे, मतलब कौन से स्पोर्ट्स में अगर हम मेडल भी ना जीते बट हम एक स्ट्रॉन्ग फिनिश दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे एंड थोड़ा ओवर एस्टिमेट करके मेडल टेली को प्रेडिक्ट करेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल के मेडल टेली को प्रेडिक्ट करेंगे। एंड लास्ट में ना मैं एक नंबर आपको दे दूंगा, आप कॉन्विंस हो जाओगे। सो हमारे लिस्ट के जो फर्स्ट स्पोर्ट है वो है आर्चरी। आर्चरी में टोटल 6 एथलीट्स अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें से 3 मैन है एंड 3 वुमेन है, जो हमारी जो मेंस टीम एंड मेंस इंडिविजुअल एंड वुमेन्स टीम एंड वुमेन्स इंडिविजुअल में ना हमें रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ जो मिक्स टीम इवेंट है, मिक्स टीम इवेंट पर भी हमें रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या हम आर्चरी से फाइनली इस साल मेडल जीत पाएंगे। देखो मैं गिन के तो चांस बहुत ही कम है, दिस इज ओलंपिक एंड बहुत ही लिमिटेड चांस है। देखो हमारा जो एशियन गेम्स है, अलग अलग जो टूर्नामेंट है, इसमें हमारा अच्छे परफॉर्मेंस इसलिए होता था कि जो कंपाउंड इवेंट है ना, कंपाउंड इवेंट में हम अच्छे हैं। बट सैडली कि जो कंपाउंड इवेंट है वो ओलंपिक में कंपाउंड इवेंट नहीं है, ओलंपिक में ओनली जो रिकर्व इवेंट है वही ओनली मौजूद है। दैट्स वाई कि हमारे जो मेडल टेली है वो ओलंपिक में इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट फिर भी अगर हम देखें ना, तो ओवर एस्टिमेट करके हम बोले तो आप जो है ना धीराज बोम्मा देवरा की परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो, मतलब वो शायद अगर एक मेडल जीत सकते हैं, बिकॉज 2024 में जो शंघाई में जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ था उन्होंने मेन्स टीम में गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ साथ 2023 में ना उन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो एक मेडल लिफ्ट करे, बट आर्चरी मैन से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एज वेल एज वुमेंस टीम की अगर बात करें ना, वुमेंस टीम की देखो दीपिका कुमारी है, देन भंजन कौर है, तो अगेन सेम ही है कि मुझे वुमेंस टीम से भी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगता। दीपिका कुमारी जो है ना वो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन भी रह चुके हैं, पर इसके बावजूद भी मुझे आर्चरी से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बिकॉज हमने देखा है। सो माई मेडल प्रेडिक्शन की हम आर्चरी से 0 मेडल जीत सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ना। अगर हम MVP परफॉर्मेंस की बात करें कि कौन सी प्लेयर है जो एक होप दे सकता है, तो दैट इज़ धीरज बोम्मा देवरा। ओके, तो बढ़ते हैं सेकेंड स्पोर्ट्स जो है हमारी एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से तो टोटल 30 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, 18 मैन एंड 12 वोमेन ने। तो एक एक करके थोड़ा डिटेल्स से अगर हम बात करें ना, देखो ज्योति आराजे हमें वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में नजर आएंगी, देन किरण पहल है वुमेन्स 400 मीटर, देन अविनाश साबले मैं 300 मीटर स्टेपल चेस, अंगिता दियानी वुमेन्स 500 मीटर, देन पारुल चौधरी दो इवेंट्स में रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, वुमेन्स 300 मीटर स्टेपल चेस, देन वुमेन 500 मीटर। देन हमारी रिले की भी टीम्स है, मतलब 4x400 मीटर रिले की मेंस टीम है, देन वुमेन्स टीम है। इसके साथ साथ रोड इवेंट की बात करें तो मेंस 20 किलोमीटर वॉक में ना जो अक्षदीप सिंह है, देन विकास सिंह है, देन परमजीत सिंह है, वो भी हम नजर आएंगे। देन वुमेन्स 20 किलोमीटर वॉक में प्रियंका गोस्वामी नजर आएंगे, देन मैराथन में ना प्रियंका गोस्वामी एंड सुरेश पनवार हमें नजर आएंगे। देन अगर बात करें फील्ड इवेंट की, तो मेंस हाई जंप में भी हमारे इस साल मतलब पार्टिसिपेट है, एथलीट्स है, दैट्स इज रियली ह्यूज। ओके, सर्वेश कुशारे हमें नजर आएंगे, मेंस लॉन्ग जंप में तो जस्टविन अलरी हमें नजर आएंगे, देन मेंस ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबूबाकर, देन प्रवीण चित्रवेल आप लोग नजर आएंगे, देन मेंस शॉर्ट पुट में तजेंद्र सिंह तूर जो एशिया की नंबर वन प्लेयर है वो हमें नजर आएंगे, देन वुमेन शॉर्ट पुट में अब्बा खातुआ नजर आएंगे, देन मेंस जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा किशोर जीना नजर आएंगे, वुमेन्स जेवलिन थ्रो में अनु रानी नजर आएंगे। तो नाउ बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट है, क्या हम मेडल जीत सकते हैं इसमें? तो देखो टोटली चांस है। ओके, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हम इस साल की जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में हम 1 से लेकर 2 मेडल जीत सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस साल जो नीरज चोपड़ा की मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस है वो टॉप द मार्क तो नहीं है, मतलब टॉप में फिनिश नहीं किया है, मतलब गोल्ड मेडल की पोजिशन में फिनिश नहीं किया है, बट ओवरऑल अच्छा है। तो अगर हम मतलब फाइनल्स पे मतलब जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में अच्छे दिन रहे ना, तो हम एक बार फिर गोल्ड मेडल जीत सकते हैं नीरज चोपड़ा। देन मुझे किशोर जीना से भी उम्मीद है, किशोर जीना अगर सेम थ्रो जैसा उन्होंने एशियन गेम्स में किया था ऐसा थ्रो ही करते हैं ना, तो वो भी इंडिया के लिए एथलीस्ट एक ब्रॉन्ज मेडल तो जीत सकते हैं। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है एथलेटिक्स इवेंट में वो है 1-2 मेडल, एंड ज़्यादा अलग जो
कॉन्टिजेंट है ना उस समय से ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, बट कुछ इवेंट्स जो देखने वाली बात हो गई है जैसे कि आपका मैच ट्रिपल जंप, देन और भी जो वुमेंस हर्डल्स है वो आपको नज़र देखते हुए नज़र आ सकते हैं, बट ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बट होप है, स्टिल होप है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन में इंडिया की टोटल 7 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है जिसमें से 4 मैन है एंड 3 वुमेन्स है। लास्ट ईयर भी हमने ना बैडमिंटन में से ना एक मेडल जीता था, एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने लिफ्ट किया था। तो देखो ओलंपिक में मेडल जीत थोड़ा थोड़ा टफ होता है बिकॉज जो कॉम्पिटिशन है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर होता है। बात करते हैं मेन्स की इवेंट की, तो मेन्स सिंगल की इवेंट्स में ना लक्ष्य सेन एंड जो प्रणय है वो हमें नजर आएंगे। एंड आपको बताया कि बैडमिंटन में अभी जो सीडिंग है वो भी कम्प्लीट हो चुका है। तो मैन सिंगल में जो प्रणय है ना, प्रणय के ग्रुप में है जो जर्मनी का रोते है एंड वियतनाम के एक प्लेयर है। देन लक्ष्य सेन जिस ग्रुप में है ना, दैट ग्रुप इज थोड़ा मतलब आप कह सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो गॉर्डन एंड जो बेल्जियम के प्लेयर है उनके साथ तो जीत सकते हैं, बट जो क्रिस्टी है इंडोनेशिया की वो अभी वर्ल्ड नंबर 2 है, तो अगर लक्ष्य सेन उनको हरा दे तो चांस बन सकता है। देन हमारी जो मेन्स लेवल की बात करिए, सात्विक सिराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की अगर बात करें ना, वो अभी करंटली देखो नंबर 1 रैंक भी रह चुके हैं अक्टूबर 2023 में, एंड मुझे इससे तो उम्मीदें हैं। अभी तक सीडिंग नहीं हुआ है, सीडिंग में देखना होगा। देन पीवी सिंधु भी है वो मैं सिंगल की इवेंट्स पे, एंड पीवी सिंधु की जो मतलब है ना वो भी एक अच्छे ग्रुप उनको मिला है ग्रुप स्टेजेस की बात करें, जैसे हमारी वुमेंस डबल में ज़्यादा उम्मीदें मुझे नहीं है। एंड बात करें क्या बैडमिंटन में से हमारी मेडल आ सकते तो देखिए इक्वली चांस है, मुझे तो लगता है गाइस कि हम एक बार फिर पीवी सिंधु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं कि पीवी सिंधु एक गेंद हमारे लिए मेडल जीते। देन दूसरी ओर हमें मुझे प्रणय से भी उम्मीदें हैं, देन चिराग शेट्टी एंड रंकी रेड्डी से भी उम्मीदें हैं। तो क्या बैडमिंटन से मेडल जीत सकते हैं? तो मेरा जो प्रेडिक्शन है बैडमिंटन से हम 0 से लेकर 2 मेडल जीत सकते हैं, मतलब हाईएस्ट 2 लोएस्ट 0 मेडल जीत सकते हैं। एंड मेंस डबल एंड जो वुमेन्स सिंगल्स है वो ही मेरा सबसे प्रेडिक्शन वाला मूवमेंट होगा कि इससे ही हम मेडल जीत पाएंगे। बट हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट जो है इकोस्ट्रेन, बहुत ही खूबसूरत सा स्पोर्ट्स मुझे लगता है। इकोस्ट्रेन की डिक्रेज जो इवेंट है इसमें हमारी एक एथलीट ने क्वालिफाई किया है। एंड बात करें मेडल प्रेडिक्शन की तो देखो नहीं है, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है, बट क्वालिफाई किया है इस बड़े इवेंट्स पे मैं बहुत ही खुश हूँ। बट देखो ये जो इवेंट्स है ना, मैं जो डिक्रीज इवेंट है जो कुछ शोकेस करने के इवेंट होता है ना उसमें मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, मैं सिंपली कहता हूँ मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है एंड ज़्यादा टाइम ना, मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। ओके ज़्यादा टाइम जो इसी तरह से इवेंट्स होता है जिसमें रेफरी जो है ना वो स्कोरिंग सिस्टम में नहीं होता है, वो रेफरी जो होता है वो मतलब जज होता है, तो इसी सिचुएशन में ज़्यादातर जो होस्ट कंट्री है वही ज़्यादा मेडल जीतता है। आई एम सॉरी टू से मैं कोई बायस नहीं हूँ, बट मैं आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ ये चीज़ डाटा से। तो ओके तो मुझे इस इवेंट्स पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बट होप करूँगा कि जो हमारे जो प्लेयर है ना वो बेस्ट परफॉर्मेंस करें। देन बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्पोर्ट जो है फील्ड हॉकी। लास्ट ईयर तो हमने बहुत ही हिस्टोरिकल के एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बट दिस ईयर ना मुझे थोड़ा मतलब बहुत ही मतलब लगता है कि शायद हम इस साल थोड़ा चूक भी हो सकते हैं, बिकॉज इंडिया को जो ग्रुप मिला है ना दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप ऑफ डेजर्ट। इंडिया के ग्रुप में कौन है आपको बताया, अर्जेंटीना है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, बेल्जियम है, देन ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड से खिलाफ हम जीत सकते हैं, न्यूजीलैंड भी हमारी टीम में है। न्यूजीलैंड एक लौता टीम है जो मतलब एवरी टीम के अगेंस्ट हारेंगे बट इंडिया के अगेंस्ट जीतेंगे, एंड मुझे हॉकी से थोड़ा डर भी लगता है। मैं ज़्यादा प्रेडिक्ट करता हूँ कि इंडिया क्वार्टर फाइनल तक तो जाएंगे, वो तो कन्फर्म है। इंडिया शायद अर्जेंटीना फिर आयरलैंड फिर न्यूजीलैंड को हरा देंगे, 3 मैचेस तो जरूर जीतेंगे, बट इसके बाद अगर सेमीज तक जाते हैं ना तभी मेडल चांस हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वार्टर फाइनल में इंडिया की जो ओपोनेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इंडिया को मिल सकता है। एंड माई मेडल प्रेडिक्शन इज दैट की 0-1, एंड ज़्यादा होप नहीं है, हमारी वुमेंस टीम ने भी इस साल क्वालिफाई नहीं किया है जो बहुत ही मुझे खराब लगा है। ओके बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट जो है गोल्फ। देखो गोल्फ में ना रिसेंटली जो नेक्स्ट ईयर था ना 2020 की टोक्यो ओलंपिक, इसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ऑलमोस्ट हमने मेडल जीत लिया था। अदिति अशोक जो था हमारी इंडिया की वो ऑलमोस्ट इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकली मेडल जीत लिया था। बट दिस ईयर की बात करें, दिस ईयर टोटल 4 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, 2 मेन्स एंड 2 वुमेन्स। तो बात करें क्या इंडिया मेडल जीत सकते हैं, तो देखो टोटल मुझे चांस तो लगता है कि हम गोल्फ में से 0-1 मेडल जीत सकते हैं। अदिति अशोक इज द MVP हो सकता है कि हमारे लिए मेडल जीत सकते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट की बात करें जो है जूडो, एंड जूडो से तुलिका मान जो है ना उन्होंने ही क्वालिफाई किया है। एंड देखो अगेन कहता हूँ कि जूडो में राउंड ऑफ 64 होंगे, 32-16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल, एंड मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, होप है, बट मुझे नहीं लगता कि हम जूडो से मेडल इस साल जीत पाएंगे। एंड रोइंग की बात करें एक और स्पोर्ट है जो एक इंडियन इंडिविजुअल ने क्वालिफाई किया है, तो इसमें भी देखो ज़्यादा चांस नहीं है रोइंग से। एंड सेलिंग की बात करें, सेलिंग से भी 2 इंडियन एथलीट ने क्वालिफाई किया है, एंड सेम मैं कहता हूँ कि मुझे सेलिंग से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बट जो 2 प्लेयर ने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नेथाना कुमारन जो वुमेन्स में एंड मेन्स के जो विष्णु सरवाना ने, वो हमारी जो लेजेंडरी प्लेयर्स है, 2 रेस्पेक्ट टोटली बनता है गाइस। ईयर ऑन ईयर वो इंडिया को ना एक सिंगल हैंडेडली रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, दिल से सैल्यूट है इस एथलीट्स को।
देन बात करते हैं एक और इवेंट की, एक और हॉट इवेंट की जो है शूटिंग। एंड अगेन मैं कहता हूँ कि शूटिंग में ना गाइस हम मेडल जीत सकते हैं, शूटिंग में हम मेडल बहुत ज़्यादा जीत सकते हैं अगर हमारे किस्मत अच्छे होंगे। एंड एवरी टाइम जब मैं शूटिंग को देखता हूँ बहुत ही डरता हूँ, बिकॉज हम मेडल जीतने ही वाले होते हैं, दैट टाइम ही ना है, कुछ ऐसा होता है कि हमारे इंडियन जो प्लेयर्स है वो नर्व को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड एट द एंड मोमेंट आकर अगर हमारी वर्ल्ड रैंक नंबर एक भी हो तब भी हम हार जाते। तो मैं ज़्यादा वेल प्रेडिक्शन तो नहीं करूँगा, बट एक प्रेडिक्शन है कि जो शूटिंग से रहा, शूटिंग से हमारे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ा कॉन्टिजेंट ने क्वालिफाई किया है। शूटिंग से टोटल अगर बात करें टोटल 21 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, 10 मेंस से एंड 11 वुमेंस एथलीट्स से। दिस इज ये चाइना की बात, हम सेकेंड डे शायद कॉन्टिजेंट पे, तो जो चाइना तो मेडल जरूर जीतेगा। हाँ अगर बात करें, मैं रियलिस्टिकली बात करूँगा तो आप मेरा एक वीडियो का चाहे देख सकते हो, शूटिंग के ऊपर डिटेल्स से कवर किया था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीरो फर्स्ट रिपोर्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो से लेकर फोर मेडल जीत सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो से लेकर फोर मेडल। एंड अगर हम बात करें जो प्रोमिनेंट मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं वो है शिफ्ट कर शर्मा, जो इंडिया के लिए मेडल जीत सकते हैं, जिनके पास अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो शिफ्ट कर शर्मा हो सकते हैं, दैन मेरे हिसाब से एक और हो सकते हैं एलेवन इन बला रिवन हो सकते हैं, देन मनु भाकर हो सकते हैं। मुझे लगता है इस साल मनु भाकर डेफिनेटली इंडिया के लिए मेडल जीतेंगे, बिकॉज शी रिप्रेजेंट थ्री इवेंट्स, सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग। देन अश्वरी प्रताप सिंह तोमर हो सकते हैं, ओके दिस इज अ माई प्रोमिनेंट हो सकते हैं। देखो शूटिंग में ना मैं अगर बात करेंगे लास्ट में बात करेंगे, ओके इसको आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट जो है स्विमिंग, ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, हमारे दो एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, यही सबसे बड़ी बात है, बिकॉज अभी भी हम स्विमिंग में इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है। एंड आई नो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्विमिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। स्विमिंग एक लौता स्पोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इवेंट्स होता है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। एक एथलीट्स ना डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ की पॉइंट जो बाकी के स्पोर्ट्स में नहीं होता। ओके देन टेबल टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस में देखो मैन सिंगल्स में, मैन टीम में, वुमेन सिंगल्स में, वुमेन्स टीम में भी हमारे एथलीट्स हैं, एंड टेबल टेनिस में भी है ना बहुत ही अच्छे कॉन्टिजेंट ने रिप्रेजेंट करेंगे। एंड टोटल अगर हम बात करें कि टोटल कितने रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल जो टेबल टेनिस में 6 इंडियन एथलीट्स रिप्रेजेंट करेंगे टेबल टेनिस में। बात करें कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या हम मेडल जीत पाएंगे, तो देखो थोड़ा चांस है कि हम मेडल जीत पाएंगे, बट बिकॉज चाइना बहुत ही इसमें स्ट्रॉन्ग है एंड रिसेंट हमारी परफॉर्मेंस अच्छा है, ओके रिसेंट हमारी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मैं ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक मेडल, बट मैं जीरो ही इसको मैं वोट करूँगा। एस सी जयाकुला ने भी रिसेंटली अच्छा खेला है, मनिका बत्रा ने भी अच्छा खेला है, तो देखने वाली बात होगा। देन बढ़ते हैं टेनिस में, टेनिस में हमारी जो तीन एथलीट्स रिप्रेजेंट करेंगे, सुमित नागल, देन रोहन बोपन्ना, श्रीराम बालाजी, तो आई गेस कि हम टेनिस में भी देखो ज़्यादा तो चांस नहीं है, बट जो रोहन बोपन्ना रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छा किया, सुमित नागल ने भी परफॉर्मेंस अच्छा किया, तो मेडल प्रेडिक्शन की बात करें तो जीरो से लेकर मैं जीरो ही पुट करूंगा, बट अगर हो सकता है तो वन मेडल भी आ सकता है हमारे डबल्स में से, बट डबल्स में भी ना स्ट्रॉन्ग टीम भी मौजूद है गाइस, तो ये बात आपको याद रखने वाली होगा। देन वेट लिफ्टिंग की बात करें, लास्ट ईयर तो हमने जो मीरा भाई चानू है उन्होंने मेडल जीता था, बट दिस ईयर उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैं कहूँगा कि हम वेट लिफ्टिंग से एक मेडल एटलीस्ट जरूर जीतेंगे, वो गोल्ड तो नहीं होगा बट एक ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर हो सकता है। देन बात करें रेसलिंग की, एंड एक और स्पोर्ट जो लास्ट टाइम हमने दो मेडल जीता था इसमें, ओके लास्ट टाइम हमने दो मेडल जीता था, तो अमन शराबाद, विनेश फोगाट, अंतिम फंगल, अंशु मलिक, निशा दहिया एंड रितिका हुड्डा बहुत ही प्रोमिनेंट नेम्स हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस विनेश फोगाट की अच्छी है, अंतिम फंगल की अच्छी है, देन अमन शराबाद की पूरा मुझे अभी कंसर्न लग रहा है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ना जीरो से लेकर मैं टू मेडल प्रेडिक्ट करता हूँ हमारी रेसलिंग में से, एंड इससे ज़्यादा हम मेडल नहीं आ सकते रेसलिंग में से। सो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं इंडिया के लिए, तो ग्रेस नोट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, 2020 में भी ना उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था अबाउट द टॉप टीम्स, तो लगभग बहुत ही एक्यूरेट उनकी रिजल्ट रहा था। इस साल भी उन्होंने वर्चुअल मेडल प्रेडिक्शन किया है, इसमें उन्होंने ना USA को नंबर वन पर रखा है, देन सेकेंड पोजिशन में चाइना को रखा है, थर्ड पोजिशन में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को रखा है, देन फोर्थ पोजिशन में फ्रांस को रखा है। बात करें उन्होंने टॉप 30 अभी रिजल्ट बनाया है, तो इंडिया देखो टॉप 30 में नहीं है, बट लास्ट ईयर जो था ना 2020 की टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया 19 मेडल जीत सकते हैं, यस 19 मेडल जीत सकते हैं, तो हमने ओनली 7 मेडल जीता था। हमने शूटिंग से उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 4 मेडल जीत सकते हैं विथ 2 गोल्ड, बट उस समय हमने शूटिंग से एक भी मेडल नहीं जीता था, तो दैट इज अ कंसर्न। एंड इस साल की बात करें ना टोटल इस साल भी उन्होंने मतलब जो टॉप 30 उन्होंने अनाउंस किया है ना, टॉप 30 में तो इंडिया टीम नहीं है, एंड टॉप 30 में जो 30 नंबर की जो रैंक की जो टीम है उन्होंने 9 मेडल उनको दिया है, तो उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि ग्रेस नोट ने कि हम 9 से कम मेडल जीत सकते हैं इस ओलंपिक में। नाउ व्हाट अबाउट माय प्रेडिक्शन, बिकॉज मैंने आपको रिसेंट जितना भी इवेंट्स हुआ है मैंने इक्वेट देने की कोशिश किया है,
मुझे जितना लगता है गाइस कि मैं ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करके नहीं बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम 13 मेडल जीत सकते हैं एंड कम से कम हम 6 मेडल जीत सकते हैं। तो माय प्रेडिक्शन इज़ कि हम 6 से लेकर 13 मेडल जीत सकते हैं एंड इसके अंदर ही होंगे। मैं रियली होप करूंगा कि इंडिया एटलीस्ट 10 मेडल का मार्क कम्प्लीट करे। तो कॉमेंट में ना #10 इस बार 10 बार ज़रूर कॉमेंट कर देना एंड मैं दिल से दुआ करना इंडियन टीम को एंड ऑब्वियसली हमारा सपोर्ट होंगे। हमारा जो होप ज़्यादा रखना एज कम्पेयर टू आप कहोगे कि ज़्यादा प्रेशर मत करना, होप ज़्यादा रखना तभी हम मेडल जीत पाएंगे। तो गाइस इस ओलंपिक में मैं तो आपको एवरी डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस ऐसे चैनल को साथ जुड़ना चाहते हो जो ओलंपिक को कवर करें ना, तो दैट इज़ मी। सो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं फ्यूचर की एक और वीडियो में। हैव अ गुड डे। बाय, लव यू।